तो जैसे तुम्हें पता होगा, लास्ट वीडियो मैंने स्किन पे बनाई थी, और मुझे ऐसा फील होता है कि एक वीडियो जो भी इतनी छोटी हो उससे तुम्हें पूरा नहीं पता चल जाएगा कि स्किन को कैसे क्लियर रखना है। इसलिए इस वीडियो में मैं एक छोटा सा तुम्हें इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि क्या तीन चीज़ें तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है, या फिर क्या तीन हैबिट्स तुम्हारी स्किन को डिस्ट्रॉय कर रही है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बोल दूँ, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नो वन, बट अगर तुम मुझसे वन ऑन वन कंसल्टेशन चाहते हो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, एंड दैट्स एवरीथिंग आई सेल। तो पहली चीज जो मैं यहाँ बोलने वाला हूँ इज द थिंग्स यू टच योर फेस विद, हाउ यू शेव, एंड क्या जो तुम्हारा हेयर स्टाइल है उसमें बाल तुम्हारे माथे के ऊपर आते जैसे मेरे आ रहे हैं। सो नाउ आई एक्सप्लेन करता हूँ, तुम जिस भी चीज़ को टच करते हो उसे तुम अपने फेस पे टच कर रहे हो, यू आर ट्रांसफरिंग द बैक्टीरिया, तुम उस गंद को अपने फेस पे ला रहे हो, एंड दैट विल रिजल्ट इन एन एक्ने। अब एक्ने होता क्या है, एक तो गट की वजह से हो सकता है, तुम्हारी बॉडी में टॉक्सिन्स और वो टॉक्सिन तुम्हारे फेस पे आ रहे हैं, तुम्हारे फेस पे वो एक्ने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कि ये ले भाई, यहाँ से हम निकालने वाले हैं टॉक्सिन्स को जो तूने इतने घटिया कचरा खा खा के अपने मतलब पेट को ख़राब कर दिया है, तो ये ले भाई तेरी स्किन ख़राब करके हम एक प्रोडक्ट तेरे को दे रहे हैं। या फिर हो सकता है कि तुम बाहर जा रहे हो, बाहर तुम्हारे मुँह पर धूल पड़ रही है वगैरह, उससे तुम्हें एक्ने आ सकता है। अब तो होता क्या है, तुम किसी भी चीज़ को टच करके फेस पर टच कर रहे हो, दिस इज कॉमन सेंस, तुम्हें एक्ने होगा। और एक और चीज़, अगर तुम शेव करो, तुम्हारा जो शेविंग ब्लेड है वो घटिया सा है, उसे चार पांच लोग यूज़ करते हैं, या फिर तुम उसे हाइजीनिक नहीं रखते, सो ऑफ कोर्स यू विल गेट अनदर वे ऑफ गेटिंग एक्ने, क्योंकि वो जब तुम अपने स्किन पे लगाओगे या पीलिंग ऑफ द हेयर, राइट, तुम शेव कर रहे हो, अगर वो शेविंग ब्लेड ही इतना बेकार होगा तो तुम्हारी स्किन का क्या हाल होगा, ऑफ कोर्स इट विल गेट फक टू। तो तुम्हें भी कभी भी क्या करना है, शेविंग जब तुम कर रहे हो या फिर ट्रिमर से करो, और इसे ट्रिमर से करने से पहले उसे धो भी देना, या फिर अगर तुम ब्लेड से शेव कर भी रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर द ब्लेड इज न्यू, इट इज़ फ्रेश, एंड इट इज़ ऑफ कोर्स फकिंग क्लीन। उसके बाद में बालों की वजह से बोलूँ तो तुम्हारे बालों के अंदर एक ऑयल होता है, और वो ऑयल जब तुम्हारे स्किन पे टच हो रहा है तो यहाँ पे एक्ने आ सकता है। मैं पर्सनली बोलूँ सो आई डोंट थिंक इट इज़ मच बिग ऑफ अ थिंग, तो मैं इसे उतना कंसिडरेशन में नहीं लेता, बट तब भी इससे तुम्हें एक्ने हो सकता है। अब देखो, सेकंड पॉइंट तो बहुत बड़ा होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर गट। जो तुम्हारी 75% लुक्स मैक्सिंग है, तुम्हारी 75% तो हेल्दी होना चाहते हो, तुम्हारे गट से ही आता है। तुम अपनी बॉडी को फीड क्या करो, तुम्हारी गट हेल्थ कैसी है। तुम अगर जंक फूड खाओगे, इट इज़ कॉमन सेंस है, जंक फूड है, बेकार है, उसे मत खाओ। तुम ऐसा खाना खा रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा मैदा खा रहे हो, फ्लोर नहीं वैसे मैदा ही खा रहे हो तुम ज़्यादा, तो ऑफकोर्स तुम्हारी स्किन ख़राब होगी। अब गट हेल्थ पे मैं उतना तो मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज आई एम नॉट ए प्रोफेशनल, बट तब भी अगर मैं तुम्हें सबसे ईजीएस्ट टिप दे दूँ जो तुम अपने गट हेल्थ पे इम्प्रूव करने के लिए लागू कर सकते हो, दैट इज स्टॉप ईटिंग जंक फूड एंड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। वाटर से क्या होगा, तुम्हारी स्किन हाइड्रेट रहेगी, जब तुम्हारी स्किन हाइड्रेट नहीं रहती वे टाइम तक, इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन एक्ने। अब लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर इस वीडियो में तुम्हें कोई भी वैल्यू तुम्हें लग रहा है मिल रही है तो क्लिक डाउन द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मैं कभी वीडियो में बोलता नहीं हूँ एज यू ऑल्सो नो, बट अगर तब भी तुम करना चाहते हो यू कैन, वी आर क्लोज टू 5K सब्स एंड दैट्स इनफ बुलशिट। मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, थर्ड पॉइंट इज योर कोर्टिसोल लेवल्स। तुम जितना ज़्यादा स्ट्रेस करोगे तुम्हारी बॉडी में उतना ज़्यादा एक्ने हो। देखो, स्ट्रेस तुम्हारी स्किन को बहुत ज़्यादा एज करने वाला है, एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर दिस इज टू स्लीप मोर और स्ट्रेस लेना कम करो। यू कैन ट्राई मेडिटेशन, यू कैन ट्राई एक्चुअली बींग हेल्दी, या फिर तुम इस चीज़ को लिंक कर दो अपने दिमाग में, जितना ज़्यादा तुम स्ट्रेस लोगे वो एक्ने उतना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा तुम स्ट्रेस लोगे तुम्हारी स्किन उतनी ख़राब होने वाली है। एंड दैट्स ऑल द 3 टिप्स यू नीड। अब तुम्हें क्या करना है, इन सारी टिप्स को अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली में फॉलो करना है। और कुछ बोनस टिप्स जो मैं दे दूँ, अभी मेरे स्किन पे मैंने एलोवेरा लगाया है एंड आई डोंट डू दिस रेगुलरली। मेरा बस ये है कि इफ़ आई स्लीप 8+ hours, इफ़ आई गो टू द जिम एंड आई डू माय डाइटिंग करेक्टली, तो वैसे मेरी डाइट तो है भी नहीं, इफ़ आई जस्ट ईट द राइट शिट तो मेरी स्किन ठीक ही रहेगी बिकॉज आई एम इन प्यूबर्टी। और मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था व्हाट इज़ माय स्किन केयर रूटीन। एक और चीज़ जो मैं बोल दूँ, सन कैन ऑल्सो डैमेज योर स्किन। तो सनस्क्रीन मैंने पिछली वीडियो में ही बोला है, खरीद लो, इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू अनदर वन, बाय।